नमस्कार। देश दुनिया की ताज़ा खबर क्या क्या होने वाली है, डालते हैं नज़र उन सुर्खियों पर। आज हम बात करने वाले हैं, ब्रिटेन ने चीन को धमकी क्यों दी, जूम ऐप को लेकर सरकार ने क्यों किया यूजर्स को अलर्ट, एचआरडी मिनिस्टर स्कूल फीस को ना बढ़ाने की करते हैं अपील, और कोरोना की वजह से इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा है। वहीं हम जानेंगे स्विट्जरलैंड ने कैसे की इंडिया की कोरोना के खिलाफ लड़ने की सराहना। आइए नज़र डाले थे कोरोना वायरस केसेस की रिपोर्ट पर। दुनिया भर में 22,75,401 केसेस हो गए हैं, जहां मौतें हुई हैं 1,56,094। उनमें से जो रिकवर हुए हैं वो है 5,82,259। वहीं भारत में कोरोना वायरस के केसेस 14,792 हैं, उनमें से मौतें 488 है और रिकवर होने वाले हैं 2,045। ब्रिटेन ने चीन को दी खुलेआम धमकी, कहा हर हाल में देने होंगे इन सवालों के जवाब। चाइना से शुरू हुए कोरोना वायरस ने दुनिया भर में तबाही मचा दिया है। चीन ने तो इस पर काबू पा लिया है, लेकिन अन्य देश खासकर अमेरिका, ब्रिटेन, इटली और स्पेन लगातार इसका प्रकोप झेल रहे हैं। ऐसे में कोरोना को लेकर चीन की चुप्पी लगभग सभी देशों को नागवार गुजर रही है। इसे लेकर ब्रिटेन ने चीन को धमकी भी दी है। ब्रिटिश विदेश सचिव डोमिनिक राब ने गुरुवार को कहा कि कोरोना वायरस को लेकर चीन को कुछ कठिन सवालों के जवाब देने होंगे। चीन को यह बताना होगा कि कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत कैसे हुई। पत्रकारों को ब्रीफिंग देते हुए गुरुवार को राब ने कहा कि इस संकट की गहराई से समीक्षा करनी होगी। यह पता लगाना जरूरी है कि इस प्रकोप की शुरुआत चीन के शहर वुहान में कैसे हुई। देश सचिव ने कहा कि दुनिया को यह पता लगाना होगा कि महामारी के शुरुआती दिनों में चीन में क्या क्या हुआ था। उन्होंने महामारी के सभी पहलुओं की समीक्षा पर जोर दिया, इसकी उत्पत्ति भी शामिल है। उन्होंने कहा कि इसकी समीक्षा विज्ञान पर आधारित संतुलित तरीके से होनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं कि इस महामारी के बाद चीन से हमारे कारोबारी रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे। आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1,42,000 को पार कर गया है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या भी 21,00,000 के पार पहुंच गई है। यूके में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,00,000 के पार पहुंच गई है, जबकि करीब 14,000 लोगों की जानें जा चुकी है। वहीं अमेरिका में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 31,000 के पार पहुंच गई है। स्पेन में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,42,000 के पार हुई। अब तक 19,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 74,000 लोग इस बीमारी से ठीक हो गए हैं। चलिए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। कोरोना वायरस के कारण देश और दुनिया के कई देशों में लॉकडाउन होने के बाद लाखों लोग घर से काम कर रहे हैं। घर से काम के दौरान मीटिंग स्काइप या फिर जूम जैसे वीडियो कॉलिंग ऐप के जरिए हो रही है। वर्क फ्रॉम होम के दौरान जूम वीडियो कॉलिंग ऐप का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है। इसके अलावा स्कूल कॉलेज की पढ़ाई भी इसी ऐप से हो रही है, लेकिन सिक्योरिटी और प्राइवेसी को लेकर जूम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। भारत की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम और राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा एजेंसी ने कुछ दिन पहले जूम की सिक्योरिटी को लेकर लोगों को आगाह किया था। कहा था कि जूम ऐप साइबर हमलों का जरिया बन सकता है। इस ऐप के जरिए साइबर अपराधी सरकारी और निजी कार्यालयों से डाटा चोरी करके उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। सीआरटी ने कहा है कि जूम ऐप के साथ डाटा लीक का खतरा है। जवाब के तौर पर एजेंसी ने कहा है कि जूम ऐप के इस्तेमाल से पहले ऐप को अप टू डेट रखे और मजबूत पासवर्ड रखे। इसके अलावा ऐप में वेटिंग फीचर को ऑन रखे ताकि मीटिंग में हिस्सा लेने वाले लोगों पर कंट्रोल बना रखे। वहीं अब गृह मंत्रालयों ने भी जूम ऐप को इस्तेमाल करने से मना किया है। सरकार ने कहा है कि जूम ऐप के जरिए अनाधिकृत लोग कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकते हैं। जूम ऐप की कमजोर सिक्योरिटी का फायदा उठाकर हैकर्स आपको कंप्यूटर में वायरस डाल सकते हैं। जूम के सीईओ एरिक एस युआन ने अपने एक ब्लॉग में बताया है कि दिसंबर 2019 में जूम के डेली एक्टिव यूजर्स की संख्या 10 मिलियन 1 करोड़ थी,
जो मार्च 2020 में 200 मिलियन यानी 20 करोड़ हो गई है। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस महामारी के कारण दुनिया भर के 20 देशों के 90,000 से अधिक स्कूल भी जूम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। CEO एरिक एस युआन ने सिक्योरिटी को लेकर उठ रहे सवाल पर कहा है कि कंपनी मामले की जाँच कर रही है और अगले 90 दिनों में सिक्योरिटी के मसले को हल किया जाएगा। सिक्योरिटी पैच के लिए अपडेट जारी किया जाएगा। हाल ही में जूम ऐप के 5,00,000 अकाउंट्स के हैक होने की खबर आई है। ब्लीपिंग कंप्यूटर ने अपने रिपोर्ट में दावा किया है कि जूम के 5,00,000 अकाउंट को हैकर कर लिया गया है। जूम ऐप यूजर्स का डाटा हैकर्स फोरम पर बिक रहा है। इसके बारे में सबसे पहले 1 अप्रैल को साइबर सिक्योरिटी फर्म साइबल ने जानकारी दी। रिपोर्ट के मुताबिक डार्क वेब पर जूम ऐप यूजर्स का डाटा मामूली कीमत यानी करीब 0.15 प्रति अकाउंट बिक रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह हैकिंग बकायदा पासवर्ड और आईडी के जरिए हुई है, यानी कि हैकर्स को इसके बारे में पहले से जानकारी थी। आइए चलते हैं दूसरी खबरों की तरफ। HRD मंत्री की देश के प्राइवेट स्कूलों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस साल वह बच्चों की फीस ना बढ़ाए। लॉकडाउन के बीच देश भर के छात्रों और अभिभावकों के लिए राहत भरी खबर आई है। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल ने देश भर प्राइवेट स्कूलों से अपील की है कि वह लॉकडाउन के दौरान सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ लेने के निर्णय पर पूर्ण विचार करें। पोखरियाल ने शुक्रवार को ट्वीट कर कहा कि देश भर से कई अभिभावकों के मेरे पास शिकायत आई है कि इस संकट के समय भी कई स्कूल अपनी सालाना फीस में बढ़ोतरी कर रहे हैं और 3 महीने की फीस एक साथ ले रहे हैं। उन्होंने स्कूल से कहा कि इस वैश्विक आपदा के समय मेरा सभी स्कूलों से निवेदन है कि सालाना स्कूल फीस वृद्धि और 3 महीने की फीस एक साथ ना लेने पर सहानुभूति पूर्वक विचार करें। एक और ट्वीट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस महामारी के समय माननीय मूल्यों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया है। इस परिप्रेक्ष्य में आशा है कि सभी स्कूल अपने टीचर्स और पूरे स्टाफ को समय पर सैलरी उपलब्ध कराने की चिंता कर रहे होंगे। दूसरी तरफ दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भी शुक्रवार को कहा कि कोरोना वायरस की वजह से शिक्षा और अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही है। मुझे और सरकार को कई जगह से शिकायत मिल रही है कि कुछ स्कूल फीस बढ़ा रहे हैं। ये लोग सरकार से बिना इजाजत के लिए फीस बढ़ा रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल बिना सरकार से पूछे फीस नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों से एक साथ 3 महीने की फीस नहीं वसूली जाएगी। CBSE ने भी सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी कर कहा कि वे स्कूल फीस और स्टाफ के वेतन भुगतान के मुद्दों को संवेदनशीलता के साथ देखें। चलिए चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया की इकोनॉमी जो है घुटनों के बल आ गई है। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को न सिर्फ प्रभावित किया है बल्कि इससे दुनिया की रफ्तार भी थम गई है। इस महामारी ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को दशकों पीछे लाकर खड़ा कर दिया है। IMF और विश्व बैंक में खतरे की घंटी बज रही है क्योंकि गरीब देशों की मदद के लिए इन्हीं संस्थानों पर दबाव डाला जाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाएं सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। ये संभवतः पिछले 100 वर्षों में अपने सबसे बुरे दौर में है। कोरोना वायरस महामारी ने दशकों के आर्थिक विकास को प्रभावित किया है और इससे ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब के दलदल में फंस सकते हैं। जनवरी में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा था कि विश्व अर्थव्यवस्था 2020 में करीब 3% की दर से बढ़ेगी। अब इसका कहना है कि विश्व अर्थव्यवस्था डूब गई है। IMF की भविष्यवाणियां उल्टी पड़ गई है। अब वैश्विक अर्थव्यवस्था इस साल 3% तक गिर जाएगी। 2020 में एशिया में 0% दर्ज। IMF के अनुसार कोरोना वायरस का एशिया के 60 साल के विकास को खत्म कर देना तय है, जिसका मतलब है 2020 में 0% विकास। यह 2008 के वैश्विक वित्तीय संकट से बहुत ज्यादा खराब है और उस वर्ष एशिया में 4.7% का विकास हुआ। IMF के अनुसार ये पिछले 50 सालों की सबसे बड़ी मंदी है। दक्षिण अमेरिका के हर 3 में से 1 व्यक्ति को अपनी नौकरी खोनी पड़ सकती है, यानी एक ही महाद्वीप के 200 मिलियन से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे। अफ्रीका में तत्काल कार्रवाई के बिना लगभग आधी नौकरियां जा सकती है। वैश्विक उत्तर में उन्नत अर्थव्यवस्था ही सबसे ज्यादा प्रभावित हुई है। अब अगली खबर है स्विट्जरलैंड की। शुक्रवार को भारत के सम्मान में स्विस आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत को लेजर लाइट की मदद से तिरंगा से कवर कर दिया गया। कोरोना वायरस से निपटने में भारत की तैयारी की प्रशंसा विश्व स्वास्थ्य संगठन समेत दुनिया के कई देश कर चुके हैं। अब इस कड़ी में स्विट्जरलैंड का नाम भी जुड़ गया है। स्विट्जरलैंड ने अनोखे तरीके से भारत की सराहना की है।
शुक्रवार को भारत के सम्मान में स्विस आल्प्स के मैटरहॉर्न पर्वत को लेजर लाइट की मदद से तिरंगा से कवर कर दिया और स्विट्जरलैंड में भारतीय दूतावास ने ट्विटर पर इस तस्वीर को साझा किया है। ट्वीट में कहा गया है कि 1000 मीटर से बड़े आकार का भारतीय तिरंगा स्विट्जरलैंड के जरमैट में मैटरहॉर्न पर्वत पर प्रदर्शित कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सभी भारतीयों के साथ एकजुटता के लिए है। इस भावना के लिए धन्यवाद जरमैट पर्यटन। भारत के सम्मान की वजह यह भी है कि संकट की घड़ी में भारत ने सुपर पावर अमेरिका समेत हर देश की मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा के रंग में ढके पर्वत की तस्वीर रीट्वीट करते हुए लिखा है, दुनिया कोविड-19 के खिलाफ एकजुट होकर लड़ रही है। महामारी पर निश्चित रूप से मानवता की जीत होगी। जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड के लाइट आर्टिस्ट गैरी ने 14,690 फुट ऊंचे पर्वत को तिरंगा के रंग से रोशन करने का काम किया है। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। जब तक के लिए नमस्कार।